और बात करेंगे झारखंड की खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड में आए परिणामों की। झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मैट्रिक में 67.54% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, वहीं इंटर साइंस में 58.36% और इंटर कॉमर्स में 62.94% स्टूडेंट्स ने सफलता हासिल की है। मैट्रिक में इस बार के रिजल्ट में रांची के स्टूडेंट्स पिछड़ गए हैं, जबकि सबसे अधिक का हजारीबाग जिले का रिजल्ट सामने आया है, 78.89%, तो सबसे कम गढ़वा से रिजल्ट सामने आए हैं, 53.60% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। रांची में 72.5% स्टूडेंट पास हुए हैं, तो इंटर साइंस में सबसे अधिक पलामू में 85.37%, तो सबसे कम पाकुड़ में 36.67% स्टूडेंट पास हुए। इंटर कॉमर्स की अगर बात करें तो सबसे अधिक कोडरमा में 79.89%, तो सबसे कम गढ़वा में 27% स्टूडेंट पास हुए। इंटर साइंस में SSNMS कॉलेज सिजुआ धनबाद के मुकेश रंजन महतो टॉपर बने, उन्हें 500 में 450 अंक मिले, जबकि इंटर कॉमर्स में उर्स लाइन स्कूल रांची की छात्रा मोनालिसा टॉपर बनी, उन्हें 500 में 442 अंक मिले। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2016 में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 4,70,280 रहा, जिनमें से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 3,17,655। परीक्षाफल का प्रतिशत 67.54। इंटर विज्ञान वार्षिक 2016, इसमें परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 87,307। प्रथम श्रेणी 1,433, 1,433, द्वितीय श्रेणी 33,482, 33,482, द्वितीय श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में 3,131, 3,131 और केवल पास ऐसे 9 हैं। इंटर वाणिज्य 2016, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या 49,286, 49,286, प्रथम श्रेणी 6,335, द्वितीय श्रेणी 20,867, 20,867, तृतीय श्रेणी 3,821। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधिकारियों ने विभाग की उपलब्धि बताई। विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि वे उच्च शिक्षा के लिए कई तरीके के काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग जुलाई तक 1800 शिक्षकों की नियुक्ति करेगा और नेट पास स्टूडेंट्स को कॉलेज में क्लास लेने का मौका मिलेगा। इसमें एक शिक्षक को 30,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा सचिव ने कहा कि 100 नए कॉलेज बनाए जाएंगे और 15 नवंबर तक सभी कॉलेजों में वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। और किसी भी स्टेट में आप देख लीजिए विकास के विकास जो आप हम लोग बात करते हैं कि शिक्षकों की संख्या तो काफ़ी कम है, करीब 1800 रिक्ति आज के डेट में लगभग 1800 रिक्तियाँ कॉलेजेस में हैं। और इसको हम लोगों ने दो तरीके से हैंडल कर रहे हैं हम लोग। एक तो ये कि जो नियुक्ति में जो बाधाएं थी उसको हम लोग दूर कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि एक्ट का अमेंडमेंट हो गया है, नंबर वन। नंबर टू, रोस्टर क्लियरेंस प्रक्रिया जारी है जो 15 जून या जून के अंत तक हम लोग कर देंगे। जो कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं, जो ऐसे 100 कॉलेजेस मैंने कहा कि नए खुलेंगे, सारी जो रिक्तियां हैं जो नए जो बहाली होंगे उसका भी पोस्ट सैंक्शन पोस्ट क्रिएशन वो इस साल हम लोग करेंगे, ताकि जब वो बिल्डिंग बन करके तैयार हो तब तक हमारे लेक्चरर्स नियुक्त हो जाएं, ताकि समय पर उसको पढ़ा सकें।
बात अगली खबर की। गोड्डा विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन की हार के बाद जेवीएम महासचिव प्रदीप यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस हार से ना बीजेपी को इतराने की जरूरत है ना विपक्ष को निराश होने की। प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी के उत्साह के लिए कोई जगह नहीं है और न विपक्ष को हम उत्साहित होने का जगह है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी के सामान्य चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर थी, आज वो तीसरे स्थान पर चली गई, यानी जनता ने बिल्कुल बाकी मुंह से नकार। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत JPIT यानी कि झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रांची में एक दिन के कार्यशाला का आयोजन किया। इसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। JPIT के CEO के सिन्हा ने कहा कि 4 साल में झारखंड के 15,000 छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में ट्रेनिंग देने से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड में कौशल विकास की असीम संभावनाएं हैं। पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक और IT की गतिविधियां बढ़ रही हैं। इस क्षेत्र में यहां के बच्चे बच्चियों को प्रशिक्षण देने से निश्चित रूप से उनको स्वरोजगार और रोजगार दोनों के नए मौके उपलब्ध होंगे। 2020 तक हमारे देश में करीब 300 मिलियन $ का इम्पोर्ट होगा, जो कि हो सकता है जो आयल का इम्पोर्ट होता है उससे बढ़ जाए। तो इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम बनाया है। एक ये स्कीम बनाई गई है कि पूरे देश में 4 साल में 3,28,000 लोगों को ट्रेनिंग देना है ESDM में, और उसमें झारखंड में भी 4 साल में 15,000 लोगों को ट्रेनिंग देना है। आगे बढ़ते हैं। धनबाद और बोकारो पुलिस को 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हाथ लगी है। तीनों इलाके के 100 टॉप क्रिमिनल की सूची में शामिल है। अपराधियों को धनबाद और बोकारो पुलिस के संयुक्त प्रयास से पकड़ा गया। अपराधियों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 13,000 रुपए नगद, मोबाइल फोन और कई सिम कार्ड बरामद किए हैं। पकड़े गए अपराधियों में मकसूद बोकारो का, जबकि शंकर और दिनेश धनबाद का रहने वाला है। धनबाद और बोकारो के सीमावर्ती क्षेत्रों में लूट अपराध की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में दोनों जिला के स्तर से एक ज्वाइंट मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया गया है, कैसे इस क्षेत्र में अपराधियों पे और लुटेरों पे नकेल कसा जाए और कैसे यहाँ विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य की जाए। इसी तरह एक ज्वाइंट ऑपरेशन हम लोग लॉन्च किए थे, उसी ऑपरेशन की प्रक्रिया में आप देखेंगे कि आज 3 कुख्यात अपराध कर्मी की अरेस्टिंग हुई है। चीट फंड कंपनियों के किस्से अक्सर सामने आते रहते हैं, जहां लोगों के पैसे ठग लिए जाने की खबरें होती हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि SEBI लोगों को आगाह भी करती है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। इसी तरह की ठगी का शिकार हुए हैं जामताड़ा के कुछ लोग। SEBI अक्सर लोगों को आगाह करती है कि चीट फंड कंपनियों से सावधान रहें। वो कहती है कि अपने पैसों को निवेश करने से पहले सावधानी के साथ निवेश किए जाने वाली कंपनी के बारे में पड़ताल करें, लेकिन लोग SEBI की अपील पर ध्यान नहीं देते और फिर लोगों के पैसे डूबने की खबर सामने आती है। जामताड़ा जिले में ओरियन नामक कंपनी के डायरेक्टर के सामने ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कंपनी पर करोड़ों रुपए हेराफेरी करने का आरोप है। लोग गुस्से में हैं और वो कंपनी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि उनसे पैसे दुगना करने के नाम पर रुपए लिए गए, लेकिन फिर मैच्योरिटी होने के बाद पैसों का भुगतान नहीं किया गया। जिन लोगों ने पैसे जमा कराए थे वो परेशान हो गए। उन्हें डर सताने लगा कि उनके पैसे कहीं डूब न जाए। लोगों ने ओरियन कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड के एक मेंबर महफूज आलम के आवाज के सामने ढोल नगाड़े बजाकर प्रदर्शन किया। लोगों का गुस्सा जाहिर करने का यह अपना तरीका था। कंपनी में रुपए जमा करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि कंपनी के दफ्तर को 2 साल पहले बंद कर दिया गया। जब भी रुपयों की मांग की जाती है तो उनके साथ टाल मटोल किया जाता है। ओरियन इंडस्ट्रीज कंपनी एक निकला था, उसमें हम लोग को बोला गया कि 5 साल में डबल मिलेगा पैसा,
जिसमें मोबाइल का कारोबार हम लोग करते हैं और हम लोग से पैसा जमा करवाया, लगभग 7 लाख में अकेले पैसा दिया हूँ और घर का कुछ अंश और जमीन बेच के पैसा दिया हूँ। मामले की गंभीरता को देखकर जामताड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा, उनके पैसे डूबने नहीं दिए जाएंगे और मामले में उचित कार्रवाई होगी। तब कहीं जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड के मेंबर महफूज आलम ने बताया कि कंपनी से उनका कोई लेना देना नहीं है। कि हमारे द्वारा किसी भी तरीके से चिटफंड कंपनी या नॉन बैंकिंग का कंपनी का कोई भी हमारे द्वारा काम नहीं किया गया। इससे पूर्व में भी जो भी हमने काम किया, हमारा जो बिजनेस था मोबाइल का, फ्लैक्स का, या जिस तरीके का बिजनेस था, हमने बिजनेस किया है। और जो व्यक्ति इस तरीके के जो नाटकीय रूप से, अभी मुझे पता चला कि मेरे घर के सामने इन लोगों ने बहुत हो हंगामा किया है। मौके पर पहुंची पुलिस के समझाने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। पुलिस का कहना है कि करीब 27 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है और उसकी जांच की जा रही है। ठगी के शिकार जो है लगभग 50-60 लोग आए हुए हैं। सारे लोग जो है ठगी के शिकार हुए हैं और उन लोगों का कहना है कि लगभग जो है 27 करोड़ रुपये की जो है ठगी इन लोगों को जो है सीखी है। बहरहाल पुलिस ने लोगों को भरोसा दिला दिया है और इसके बाद उसने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल है कि लोग चिटफंड कंपनियों में अपने पैसे निवेश करने से पहले सावधानी क्यों नहीं बरतते? जरा सी सावधानी आपके मेहनत के पैसों को डूबने से बचा सकती है। देवाशीष भारती, जी मीडिया, जामताड़ा। और बात करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर की। खबर है पटना से, जहां पर पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की अब हड़ताल खत्म हो गई है। रविवार से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। हड़ताल पर जाने की वजह से लगातार परेशानी हो रही थी मरीजों को। आपको बताया कि रविवार की रात को जूनियर डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच में मारपीट हो गई थी, जिसके बाद से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे। थोड़ी देर पहले हम बैठक की खबर आपको दिखा रहे थे। पीएमसीएच प्रबंधन के साथ ये बैठक चल रही थी और स्वास्थ्य विभाग भी इस बैठक में शामिल था। और अब जाकर ये जानकारी मिल रही है कि जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दिया है। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़ेंगे पूरी जानकारी के साथ। तो ये पूरी खबर पटना से, जहां पर पीएमसीएच में अब जूनियर डॉक्टरों ने अपने हड़ताल को वापस ले लिया है। आज दिन भर के प्रयास के बाद आज हड़ताल समाप्त हुआ है। और देखिए, अस्पताल के अंदर में सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसको बार बार हम सिरे से उठा रहे हैं। और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बातचीत हुई है और उन्होंने श्योर किया है कि अस्पताल के अंदर हम 2400 घंटा 365 दिन सुरक्षा देंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज जूनियर डॉक्टर ने अपना हड़ताल समाप्त किया है। कि आज 1 बजे डायरेक्टर इन चीफ और डायरेक्टर दोनों आदमी सेक्रेटेरिएट से आए और लंबी वार्ता 3 घंटे का चली, 3 घंटा सवा 3.5 घंटा कह सकते हैं। और उसमें अच्छी बातें ये हुई कि सरकार प्रयास कर रही थी, भरपूर प्रयास की, और सरकार ने सारी मांगे उनकी करीब करीब जो सुरक्षा से संबंधित है वो मान ली गई है। तो जूनियर डॉक्टरों ने अपने हड़ताल को वापस ले लिया है। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ जुड़े हैं। आशुतोष, जानकारी मिल रही है कि जूनियर डॉक्टर्स ने अपने हड़ताल को वापस ले लिया, क्या उनकी तमाम मांगे मान ली गई है? देखिए, जो सुरक्षा से संबंधित मांगे थी वो मांगे मान ली गई हैं और आज मैराथन बैठक चली थी पीएमसीएच प्रशासन के तरफ से। और जो स्वास्थ्य विभाग के वो बड़े अधिकारी थे वो जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठे थे और 3 घंटे तक बातचीत चली। बातचीत में यही फैसला हुआ कि जो सुरक्षा संबंधी व्यवस्था है वो पुख्ता की जाएगी ताकि मारपीट की घटनाएं ना हो जूनियर डॉक्टरों के साथ। इसके अलावा एक जो मांग थी जिस पर मामला फंस रहा था वो पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाने की मांग थी। हालांकि जूनियर डॉक्टर इस मामले पर थोड़े से नरम पड़ते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि हड़ताल अब खत्म हो रही है। क्योंकि 6:30 बजे एक मीटिंग होने वाली थी जूनियर डॉक्टरों के बीच की, तो जूनियर डॉक्टर आपस में विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि स्ट्राइक वापस लेनी चाहिए। क्योंकि बिल्कुल आशुतोष, हड़ताल तो खत्म हो गई लेकिन जो स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा इस हड़ताल के बाद और मरीजों को जो परेशानी उठानी पड़ी, अब कहीं ना कहीं एक बार ठहर के ये सोचना चाहिए कि इस तरह की हड़ताल से लोगों को कितनी परेशानी होती है और जान तक गंवानी पड़ती है।
देखिए, इसी से संबंधित एक याचिका पटना उच्च न्यायालय में दायर की गई है और उसकी सुनवाई, क्योंकि अभी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, तो इसकी सुनवाई कुछ दिनों बाद होगी और उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला आने की उम्मीद है। क्योंकि जो स्ट्राइक हुई थी उससे संबंधित जो रिपोर्ट दिए गए थे वो पटना हाईकोर्ट में दिए गए थे और हाईकोर्ट पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से भी कुछ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टरों के आगे नरम पड़ता दिखा, लेकिन पटना हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सख्त है और सुनवाई तो हो सकता है कुछ बड़ा फैसला आ जाए। बिल्कुल, 27 को सुनवाई है और हो सकता है कि इसमें कोई फैसला ले हाईकोर्ट इस हड़ताल को लेकर, जो आए दिन देखने को मिलते हैं। आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।